इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर में फिर से मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। खैर, हर लिहाज से आवाम को दो चार होना पड़ रहा है। घर में रहो तो परेशानी, घर से निकलो तो परेशानी, घर में खवातीन के लिए गैस महंगी, सब्जी महंगी, बाहर निकलो तो गाड़ी का पेट्रोल महंगा, हेलमेट का जुर्माना अलग, अब तो फिर मास्क न पहनने पर जुर्माने का ऐलान भी किया गया। बेलगाम कॉरपोरेशन की जानिब से यह ऐलान किया गया। हाईवे जाओ तो फास्टैग की परेशानी अलग है, फास्टैग नहीं है तो दुगना टोल वसूल किया जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत को थोड़ी सी भी शर्म होगी जो दुगना टोल वसूल कर रही है? पहले सड़क तो बेहतर बनाए, सुपर एक्सप्रेस हाईवे के नाम पर गड्ढों वाली सड़कों से गुजरना पड़ता है। किससे सवाल करे, हर तरफ एक तरह की खामोशी है, सन्नाटा है। सवाल पूछो तो पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही कहा जाता है। क्या इतनी महंगाई पर सैकड़ों अंधभक्तों का जमावड़ा मिलेगा तो कहेगा क्या तुम देश के लिए इतना नहीं कर सकते? देश के लिए मोदी जैसा महान प्रधानमंत्री पहली बार मिला है, तुम देश विरोधी हो, यही सुनने को मिलेगा। खैर, अपना मुंह बंद रखो, अभी 100 से भी आगे पेट्रोल को जाना है। आपको तो इसके बदले में जहर परोसा जाने वाला है और जा रहा है, और अक्सर लोगों को जहर की आदत पड़ी हुई है। खैर, साबिक वजीर आला कुमार स्वामी ने राम मंदिर तामीर चंदे पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा, आखिर इन्हें मंजूरी किसने दी? यानी कि जो लोग जो सड़कों पर निकलकर चंदा वसूल कर रहे हैं, एक यानी कि हुकूमत की जानिब से एक तहरीक छेड़ी जैसी एक माहौल दिखाई दे रहा है, इन्हें मंजूरी किसने दी? और ये कौन लोग हैं जो जबरदस्ती चंदा इकट्ठा कर रहे? इन्होंने कहा कि राम मंदिर तामीर पर चंदा ना देने पर मुझे यानी कि खुद कुमार स्वामी को भी धमकी दी गई। उन्होंने देश को तबाही की तरफ भाजपा ले जा रही है और मोदी को हिटलर से मुआवजना किया गया। इस बात पर येडियुरप्पा ने एतराज जताते हुए कहा कि राम मंदिर तामीर का चंदा जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा। कुमार स्वामी ने यह भी कहा कि देश को तशद्दुद के आग में झोंकने के लिए मुनज्जम तरीके से एक साजिश के तहत राम मंदिर को अवामी तहरीक के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो देश के एकता को खतरा साबित हो सकता है। बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहने वालों पर भी कुमार स्वामी ने तंज किया। अगर आज इसे अहम मौजू भी कहे तो मालग ना होगा, क्योंकि किसान कानून को लेकर एहतजाज आज भी जारी है। आज किसान तंजीमों की जानिब से रेल रोको का ऐलान किया गया था। हुकूमत को शायद अंदेशा था कि एहतजाज में तशद्दुद हो सकता है, लिहाजा कई जगहों पर पुलिस बंदोबस्त काफ़ी हद तक तैनात किया हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रेल रोको किया गया। किसान कायद राकेश सिंह टिकैत ने पहले ही वाज़ किया था कि एहतजाज पुरम रहेगा, शायद तारीख में पहला एहतजाज रहेगा जिस एहतजाज में दूध, दही, लस्सी, शरबत, केले, फ्रूट आवाम में तकसीम किए गए। जैसे हुकूमत को और खासकर मोदी हुकूमत को अंदेशा था कि कुछ तो 26 जनवरी की तरह होगा, ये और बात है कि 26 जनवरी के दिन हुआ तशद्दुद भी भाजपा ने ही कराया, ऐसा इल्जाम आज भी लगाया जाता है। खासकर रेल महकमाओं को भी फ्रूट, पानी, दूध पिलाया जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर किसानों को देखकर खुद ही रेल को रोक दिया जा रहा था। वैसे भी कई स्टेशनों पर किसानों ने रेल पटरियों पर ही बिछाना लगाकर गुजर बसर किया था। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के लाखों किसानों की हिमायत में कर्नाटक में भी रेल रोको एहतजाज किया गया। बेंगलोर, मैसूर, रायचूर, दावणगेरी, बीजापुर, हुबली, धारवाड़, कोप्पल, कोलार में भी किसानों की जानिब से रेल रोको किया गया। भाजपा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी फरमाई और मोदी हुकूमत के मनमानी फैसलों पर नाराजगी का इजहार किया। बेलगाम शहर में भी रेल रोको एहतजाज का असर देखने को मिला। रेल रोकने वाले तकरीबन 30 से भी ज्यादा किसानों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया और इन्हें रिहा भी किया गया। किसानों की जानिब से मोदी हुकूमत ने जो 3 काले कानून पास किए हैं, जिससे किसानों की जिंदगियों को बेचने का फैसला मोदी शाह की जानिब से लिया जाने का इल्जाम किसानों की जानिब से लगाया गया। सुबह ठीक 11:30 बजे बेलगाम रेलवे स्टेशन पर किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई। पहले 30 से 40 थे, पर कुछ ही लम्हों में 100 से भी ज्यादा किसानों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर शिरकत फरमाई और एहतजाज में भी शरीक हुए। मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी
के खिलाफ नारेबाजी फरमाई। कर्नाटक रैत संघ के साबिक वजीर बाबा गौड़ा पाटिल की क्यादत में इस एहतजाज को अंजाम दिया गया। कर्नाटक रैत संघ और कृषक समाज की जानिब से आज का रेल रोको अमल में आया। किसानों ने बेलगाम रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों के सामने बैठकर नारेबाजी फरमाई। बढ़ते तनाव के मद्देनजर बाबा गौड़ा पाटिल, चिन्नप्पा पुजारी, अकेला पठान समेत दिगर 40 अफरादों को गिरफ्तार किया, फिर इन्हें रिहा भी किया गया। बेलगाम शहर का हिंडलगा जेल अंग्रेजों के दौर का जेल, इसकी अपनी तारीख रही है। कहते हैं देश के सख्त तरीन सजा देने के लिए इस जेल में मुजरिमों को लाया जाता है। कर्नाटक में भी अलग अलग शहरों से खतरनाक मुजरिमों को यहाँ बता और सख्त सजा इनके पनिशमेंट के तौर पर यहाँ लाया जाता है। पर पिछले कुछ अरसे से जेल गैर कानूनी कामों को लेकर सुर्खियों में आ रहा है। एक बार फिर जेल से ही बाहर फोन से धमकी देने की वारदात सामने आई और ये मामला पहली बार नहीं हुआ है। जेल वैसे सजा काटने के लिए होती है और मुजरिम को बेहतर बनाने के लिए और जिंदगी में तब्दीलियां रूनमा होने के लिए यहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है। पर रिश्वतखोरी, गैर कानूनी कामों को लेकर जेल महज एक लॉजिंग बोर्डिंग होता जा रहा है। यहाँ हर चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर कैदी के लिए खाने का डिब्बा भी पहुंचाना है, यानी कि उनके घर वाले अगर खाने का डिब्बा उधर वहां जाकर वो पहुंचाना चाहते तो गेट पर रुपये देने पड़ते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो समझो कि आपकी जेल सख्त दौर से गुजरने वाली है। वैसे तो कई बेगुनाह भी यहाँ पर सजा काट रही है और बात है, पर जिसके पास पैसे होते हैं उसे इंटरनेट वाला मोबाइल भी मिल जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ का महकमा ही गैर कानूनी कामों में मुलविस रहता है। इंडलगा जेल में अक्सर गैर कानूनी कामों का तस्करा होता रहता है। लिहाजा एक बार फिर जेल से धमकी भरा फोन जाने की खबर से जेल की बदनामी में इजाफा। खैर, इन खबरों से यहाँ के इंतजामिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन तमाम बातों के ये तमाम लोग आदि हो चुके हैं, महकमा आदि हो चुका है। यकीनन जल्द हिंडलगा जेल में अलग जुर्म की दुनिया पर इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से एक रिपोर्ट जल्द मंजरे आम पर आने वाली है। इतना जरूर है कि रिश्वतखोरी ने अक्सर महकमाओं को खोखला किया हुआ है और इसके लिए कुछ हद तक ये समाज और हम और आप सभी जिम्मेदार हैं। आज बेलगाम में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की कमेटी तश्कील की गई, जिसके तफसीलात यूं हैं। परशुराम चिंदे जिले सदर, दिलशाद तहसीलदार, महिला जिले सदर, दीवान साहब देसाई, अकलीति जिले सदर, मुजम्मिल मारियाल नायब सदर, हनुमंत अक्सिमनी प्रधान कार्यदर्शी, हसीना शेख जिले नायब सदर, डॉक्टर प्रवीण हिरेमठ युवा घटक जिले सदर, मोहम्मद यूसुफ सूबेदार तालुका सदर, प्रभु हरिजन बेलगाम शहर अध्यक्ष, ख्वाजा बीजापुर शहर अध्यक्ष, समीउल्ला पठान शहर नायब सदर, शहबाज मारियाल शहर कार्यदर्शी, शकील नदा बेलगाम शहर खजांची। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।